जी निकली बिकरी थी सोचों का नाम। आप मेरी इंसल्ट कर रही हैं, मैं आपका खामिद हूं, मिजाजी खुदा समझे। देखिए आपके इस मुलाजिम का रवैया, इसके घर में कितने दिन लोगों की आंखों पे चर्बी चढ़ती है, इसके कानों में चर्बी जम गई है। अब्दुल साहब कहां चले? मैं मुलाजिम के हुजूर पेश होने जा रहा हूँ। हुजूर मालिक हमारी बात सुन लीजिए। में इस मुलाजिम को इस घर में गलती आती है, आधे घंटे से आपसे अब्दुल रसूल किए जा रहे हैं। जिस नाम की उसको आदत पड़ गई है उस नाम से बुलाइए। मालिक जी सर, आपका इसमें गरामी अब्दुल ही है ना? वो तो बड़ी देर की बात है सर, अब तो लगता है माँ बाप ने मेरा नाम बरी ही रखा था। मुलाजिम भी तुमने चुन के रखा है। वाकई सर, जब मैं मलिक साहब के पास मुलाजिम था, बेगम साहबा वहां दावत पर तशरीफ लाई, मैं इनके लिए टेबल पे खाना चुन रहा था, इन्होंने मुझे ही चुन लिया। ज्यादा चुन चुन की गर्दान बंद करो, नाश्ता ठंडा हो रहा, जाके उनके दरवाजे पीटा, उठा उन्हें। भाई मियां का दरवाजा एक दफा पीटा था, उन्होंने मुझे दो दफा पीटा। अब हमारी तरफ से दरवाजा पीटो। पिटाई तो मेरी होगी ना सर, बल्कि आपका नाम लेने से वो और भी गुस्से में आ जाते हैं। हमारा नाम लेने से और भी गुस्से में आ जाते हैं? बहुत। ये हमारे पर काय तक गुस्सा निकाल रहे हो? आपको गुस्सा नहीं है? मुझसे शिकायत है। आपसे क्या शिकायत है? आपसे शादी जो कर ली मैंने, हमें ऐसे बनकर एक रिश्ता पड़ा तुमने लिए। अच्छा तो आपके इस बारे में क्या ख्याल है? मियां नाश्ता कर रही हूँ मैं, अब दिल तो खाने वाली बातें ना करो। तुम क्या काम करा के तुम बुला के लेके आओ सबको, और सुनो वो अमरीन और काशी में बुला के लेके आना। अगर आदमी मुंह धो ही लेता है तो कमीज से मुंह नहीं साफ करता। कमीज को बिल्कुल ही साफ नहीं करना चाहिए डैड, कमीज से ही साफ करना चाहिए। कमीज तो हर रोज बदलना होती है। बिल्कुल। तो ये तौली की जात पर आप नाशी जा सकते हैं? नहीं भाई, ना तौली इसलिए जात है कि अगर आप उससे चोट लग जाए, अंदरूनी चोट या को बर्फ आ जाए, तो इन तौली में लपेटते तो माशाल्लाह मेरे धनी, मेरे तालीम याफ्ता और मेरी बेटी के सरदार। ये रबड़ की किस काम आती? रबड़ की बोतल कभी भी इस्तेमाल न कीजिएगा, रात को लीक कर जाती है, सारा बिस्तर भीग जाता है डैड, और सारी रात एंटी डेकोर होती है। मम्मी मम्मी देखे ना, मेरा पप्पी रोए जा रहा है, चुप ही नहीं हो रहा। पप्पी रो रहा है? हाउ क्यूट। वाह साइंस ने क्या इनकलाब आ गया साइंस का, यानी बेजान चीज भी रो रही है। भाई भैया ने इसको इस लाइन पर लगाया खाने के लिए। जी ये दौरे पकड़ो है। आप यहाँ बैठे हुए हैं, नीचे सब ने नाश्ता कर भी लिया है। तो मैं नाश्ता ही तो बना रहा हूँ, और क्या दौरी में से जिन निकाल रहा हूँ। ध्यान से पकड़ना, अगर उंगलियां रगड़ी गईं तो बाकी की जिंदगी पांव से हांडी में चमचा हिलाएगा। ये क्या है जी? भैया मैं तेरी बातों का जवाब दू या नाश्ता तैयार करूं? ध्यान से पकड़ना, उंगलियां ना रगड़ी जाए। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था मेरा जिम्मा दोष पोष। चल अब मुंह से पकड़। वो कैसे जी? जैसे गेंद पकड़ के लाता है।
बेटे कब से इंतजार कर रहे हैं, अब उठी हो तो। डैडी आंखें तेरा देर से खुली है। बेटा सुबह उठते हैं, सैर करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। डैड आजकल सुबह उठने का रवाज नहीं है। और वैसे भी सुबह वो लोग उठते हैं जो बीमार होते हैं, वही सैर करते हैं, तो उसके लिए तो फिर शुगर पेशेंट होना, ब्लड प्रेशर का होना या हार्ट पेशेंट होना जरूरी है। डैडी आप काशी से इस तरह तो बात ना करें। आपने इसमें क्या ऐसी चीज देख ली थी जिसकी वजह से इनसे शादी कर लिया? यही सवाल अम्बरीन ने मुझसे भी पूछा था। क्या आपने क्या जवाब दिया? सिवाय नदामत के क्या जवाब हो सकते मेरे पास? भाई मियां अब क्या दूध बेचना शुरू कर दिया? नहीं नहीं भाई साहब, ये सरदाई है। क्या मतलब? दाई को इज्जत से सरदाई कहते हैं। ये बनती है खशखाश, सौंफ, चारों मगज और कोई कुल्फा, काशनी और छोटी इलायची, इसमें डालते हैं, इससे जरा दिमाग ताजा रहता है। तो इस दिमाग से कभी काम भी ले लिया करते हैं भाई मियां। डैडी ये हमारा होम स्वीट होम है, इसे दफ्तर मत बनाइए। डैड मिल में हड़ताल खत्म हो गई? हो गई होगी। ये सद्दीकी का अभी तक टेलीफोन क्यों नहीं आया? ओ ये तो बंद पड़ा हुआ है। अच्छा अगर कोई मसला हो तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं इंशाल्लाह फौरन हल कर दूंगा। ओ यार पहले पेट का मसला तो हल कर लो। चलो भाई गिलास बार भाईजान नहा ले जरा पी ले। नहीं नहीं भाई मियां इनके लिए नहीं डालना, डॉक्टर ने मना किया ऐसी चीजें पीने से। बारीक बेटा जी, ये होता है नाजायज पैसे के इस्तेमाल का नतीजा। आदमी खाते पीते को देख सकता है मगर खुद कुछ नहीं खा पी सकता। ऐसे मौके पे किसी शायर ने क्या खूब कहा है, राजे राजे खांदे और बिल्लियां बिल्लियां बेख। ओके मामा मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। तो नाश्ता तो कर लो मामा, कैफेटेरिया से कुछ खा लूंगी। बाय पापा, बाय मामा, टेक केयर। ओहो नाश्ता तो करती जाओ, सारा बचा हुआ नाश्ता और खाना माशाल्लाह, अल्लाह मुझे नजर ना लगाए मुझे खाना पड़ता। खूब खाओ, तुम्हें रखा ही इसलिए कि खाओ खाओ, मुफ्त का माल है, मुफ्त का माल। जी अगर बेकरी से नाश्ता मुफ्त मिल रहा था तो पूरे एक महीने का ही ले आना था। डिस्पेंसरी से दवाइयां भी मुफ्त मिल रही थी। उसकी तो बाद में जरूरत पड़ेगी ना, जब भाईजान अल्लाह ना करे बीमार ना हो तो फिर लेके आएंगे। हेलो, हाँ हाँ क्या सदीकी? हाँ हाँ नहीं 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 ओहो उन्हें बिठाओ, और चाबियां नहीं देनी भाई, आ रहा हूं आ रहा हूं। अच्छा अच्छा आ रहा हूं बस। साहब जी वो माली भाई, मैं कम से कम मालियों को इंटरव्यू कर लो, कोई तो काम घर का कर लो। और सुनो माली जो होने बड़े खानदान के होने चाहिए, बड़े मुंह के नहीं होने चाहिए। भाई साहब अगर मिल नहीं संभाली जा रही तो मुझे हुक्म करें, मैं मिलजुल के संभाल लेता हूं। पहले माली संभालो फिर मिल संभालना। हाँ हेलो, ओ आ लो। अब क्या मैं टेलीफोन के बीच में से निकल के आ जाऊं? आ लो ब्रीफ के साथ आले में पड़ा हूं। लो भाई वो मर गया हुआ है। हाँ जी ये जरा पकड़ो। मेरे बस में नहीं है, अगर मेरे बस में होता तो मैं आपका मुतालबा दो दो तीन तीन दफा मंजूर कर लेता यूं करके, लेकिन ये मेरी मेरी नहीं अहमद मुल्तवा साहब की है। तो बुलाओ सेठ को, अगर मिल चलानी है तो आमने सामने बैठकर हमारे मुतालबात पर दस्तखत करें, वरना हमारी तरफ से हड़ताल है। नहीं हड़ताल ना करना भाई, तू मेरी नौकरी के दुश्मन हो गए हो। जो भी हो मजदूरों के हकूक पर कोई समझौता नहीं होगा। टेलीफोन करो सेठ को। जरा फोन देना भाई, मैं खुद ही कर लेता हूं। आ रहा भाई, अब क्या चलती गाड़ी में भागने शुरू कर दो? ओ भाई उन्हें बिठाओ, मैं आ रहा हूं। ये तू आज तेज नहीं चला सकता?
तेज चला। आहिस्ता भाई, आहिस्ता ही चला। वैसे आप हड़ताल करके नुकसान में रहेंगे, अगर तनख्वाह नहीं मिलेगी तो खाएंगे कहां से यूं करके? ना सदीकी साहब ना, अब हम पहले जैसे अहमत नहीं रहे, चालाक हो गए। यहां हड़ताल होगी और काम करेंगे दूसरी मिल में, यहां तनख्वाह इकट्ठी होगी और वहां तनख्वाह के साथ ओवर टाइम। ये कैसे हो सकता है यूं करके? वैसे बाग का काम तो हमारा चल रहा है, ये भाईजान ने मुझे कहा है कि एक बड़े खानदान का माली रख लूं। हाँ भाई, तुम्हारा ताल्लुक किस खानदान से यार? हमारे खानदानी बाग है जनाब। वो ये अमरूद के बाग, सेब के बाग, केले के बाग तो मैंने सुने हैं, ये खानदानी बाग पहली दफा सुने हैं। वो इसमें बच्चे उगते हैं? बच्चे, बच्चे नहीं जनाब, अमरूदों के बाग है। अमरूदों के बाग है तुम्हारे? वो ये आजकल बाजार में तुम्हारे बागों के अमरूद आ रहे हैं? ला मेरा नुकसान पूरा कर। क्या मतलब जी? कल मैं 2 किलो अमरूद लेके आया हूँ, उसमें से रंग बिरंगे कीड़े निकल आए, 28 रुपए निकालो मेरे। 28? जनाब इस बार तो हमारा माल ही मंडी में नहीं आया, इसी बात का तो रोना है जनाब। सारी जमीने सैलाब की वजह से तबाह हो गई है, मैं इसलिए तो आपसे नौकरी लेने आया हूँ। नौकरी लेने आया हूँ का बच्चा? हाँ भाई, तुम्हारा ताल्लुक किस खानदान से है? हम जी नस्ली माली है। क्या मतलब खड़े कानों वाले माली? नहीं जी, मेरा मतलब है शालामार बाग और बागे जनाह के सारे दरख्त और पौधे मेरे बुजुर्गों ने लगाए थे। और बेवकूफ, इतने बड़े हो गए हो और बुजुर्गों के काम पे यकड़ते फिरते हो, तो खुद भी कुछ किया करो। हमारे बुजुर्गों ने लगाए थे। हाँ भाई, किस बात का रोना आ रहा है तुम्हें? तुम्हारा ताल्लुक किस खानदान से है? साकी मेरा बहुत बड़ा खानदान है जी। वो कितना बड़ा खानदान है तुम्हारा? साकी मेरा बहुत बड़ा खानदान है। ओए, ओए, खबरदार हो, एक बंदा उठाए, नौकरी एक को मिलनी है। वो तुम्हें शर्म नहीं आती है? किधर था ध्यान तुम्हारा? हाँ भाई, कितना बड़ा खानदान है वो तुम्हारा? साकी मेरा बहुत बड़ा खानदान है, मेरी 3 बीवियां जी। 3 बीवियां? चौथी करते हुए मौत पड़ती थी? सर जी 4 ही थी, उन तीनों ने मिलके ना चौथी को भगा दिया जी। ओहो, तुम तो बड़े जरूरी आदमी हो। बात सुनो, खुदकुशी ना करना, तुम्हारी तीनों बीवियां खजल खराब हो जाएंगी। और सर जी मेरा बहुत बड़ा खानदान है जी, मेरे 22 बच्चे हैं जी। 22 बच्चे? थोड़े हैं जी। वो थोड़े के पुत्र मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है, आगे से कह रहा थोड़े। 22 बच्चे? ओ, तुम तो बड़े चलाक आदमी हो। तुम सोचते होगे कि ये बच्चे बड़े हो के 22 खानदान बनाएंगे, और तुम हमें फिर से नौकर बनाना चाहते हो? नहीं सर जी, नौकर तो हम हैं जी, जनाबे अली आप हमें नौकरी दे दें, वरना मैं और मेरी तीनों बीवियां और 22 बच्चे मिलकर आपको बदवाएं देंगे जी। बदतमीज, बद्दुआ तो एक नहीं मान होती, तुम इतनी इकट्ठी बद्दुआएं, 22 तुम्हारे बच्चे, 3 बीवियां, 23, 24, 25, 1 तुम, 26, और मुझे कोरस में बद्दुआएं दिलवा रहे हो? बेवकूफ, मैं तुम्हें कोई बद्दुआ से डर के नौकरी नहीं दे रहा। वो असल में मुझे भाईजान ने कहा था कि नौकर कोई माली ऐसा रखना है जिसका खानदान बहुत बड़ा हो। शुक्रिया जनाब। इसमें मेरा क्या शुक्रिया है? देखो जरा इसे, 22 इसके बच्चे हैं और कितना मुतमइन है। ओए, किस चक्कर में लगा रहे हो मुझे? ओए बरीक जी। सर 3 सर्वेंट क्वार्टर खाली कर दो बेटे। क्वार्टर तो सारे ही 3 है जी, मैं कहां जाऊंगा? तुम मेरे कमरे में आ जाना। और आप कहां जाएंगे? ओ, मैं भाईजान के कमरे में चला जाऊंगा। और वो? वो इतनी सी तो चीज है, कहीं भी पड़ा रहेगा। दफ्तर हमारा है, बंद करे या ना करे वो कौन होते हमारा दफ्तर बंद करने वाले? चाबी दो। चाबी तो उनका लीडर कुदरतुल्लाह ले गए। शेर की चाबी दो। हाँ वो भी ले गए। शेर की भी चाबी ले गए? ले गए। ओ, उसमें तो 10 लाख रुपए पड़े हुए। उसकी आप फिक्र न करें सर जी, वो मैंने उठा के वो जो स्टोर में नीला ड्राम रखा ना उसमें डाल दिए थे। यूं करके ओ सिद्दीकी, उसमें तो तजाब है।
देखिए मेरा दिल चाहता है कि तुम्हारी गर्दन को यूं मरोड़ दो यूं करके। सर जी आप ये सोचिए कि हड़ताल कैसे खत्म करानी है। तो पहले ही कहा था ये हड़ताल रुकवाना तुम्हारे डैडी के बस की बात ही नहीं है, इसके लिए दिमाग चाहिए दिमाग। काशी अगर तुम ये मसला हल कर सकते हो तो प्लीज कर दो, he is quite upset. भाई अपसेट होना तो तुम्हारे डैडी की हॉबी है, he can't help it. वो यूनियन लीडर, वो क्या बेचता है? चुटकियों की मार है, चुटकियों की। सच? और क्या? ओ काशी यू आर अ जीनियस। तुम चाहती हो मैं ये काम कर दूं? बिल्कुल। अच्छा देखो मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से कर रहा हूँ। थैंक यू। ओके यार मिल बंद है, हम हड़ताल पर हैं, तुम्हें कैसे नौकर रखवा दें? जनाब मैं तो आपके फायदे की बात कर रहा हूँ जी, वरना मेरी तो अपनी अल्लाह की मेहरबानी है, 3 वैगने और 6 येलो कैब चल रही है। बहुत अच्छी, 3 वैगने 6 येलो कैब, इतना सारा पैसा कहाँ से आया तुम्हारे पास? मैं भी अपनी यूनियन का सदर था जी, मैंने सेठ का सर फाड़ के मजदूरों के मुतालबात पूरे करवाए थे। मुझे पता चला कि आपकी मिल में हड़ताल है, तो मैंने सोचा कि एक मजदूर को दूसरे मजदूर के काम आना चाहिए, किसी और सेठ का गिरेबान पकड़ के अपने साथियों के मुतालबात पूरे करवाने चाहिए। लो जी बंदा तो काम का लग रहा है, लेकिन तुम्हें नौकरी देने का फैसला हम बाद में करेंगे। सर जी आप यहाँ हैं, मैं आपको यूनियन ऑफिस में ढूंढता फिर रहा हूँ, सेठ साहब ने बुलाया मीटिंग के लिए। भाई वो तुम यहाँ पे रुको भाई, हम जरा सेठ से मिल के आते हैं, और भाई तुम भी यहीं ठहरो और सब दूसरे साथियों को इकट्ठा कर लो, सेठ से जो भी बात होगी मैं खुद आके बताता हूँ। आओ भी आसिफ। बहुत अच्छा। मिल चालू नहीं होगी सेठ साहब। मत कहो इसे साहब, सब सेठ कहो सेठ। कौन सा कहते थे? एक मजदूर अपने साथियों के पास नहीं आएगा तो कहां जाएगा सेठ? तुम जैसे जालिम सेठ जब तक हमारा खून चूसते रहेंगे, हमारे बच्चे दूध के लिए भूख से पिलकते रहेंगे। ये तुमने क्या? एक बात याद रखना सेठ, अगर 3 दिन के अंदर तुमने मेरे साथियों के मुतालबात पूरे न किए तो ठीक 3 दिन बाद 3:03 पर तुम्हारी पतीसी इस टेबल पे होगी। आओ साथियों। जी ये क्या कर गया यूं करके? यूं कर गया वो दवाई आगे। सारा रुपया तुम्हारे पास कैसे आया? तो तुम भी कमा लो, आज अभी 2 लाख तो आज ही दिलवा सकता हूँ। 2 लाख? कैसे? थोड़ा काम करना पड़ेगा। हाँ 2 लाख के लिए तुम्हें जान दे भी सकता हूँ और जान ले भी सकता हूँ। बोलो मुर्शिद। इसकी जरूरत नहीं है, देखो तुम्हारी मिल तो बंद है। हाँ वो तो है। तो बॉस 4 डिजाइन मिल में से निकाल के दूसरी मिल वालों को दे दो, 2 लाख खड़े पाओ। नहीं डिजाइनों पर ही तो मिले चलती हैं। मुझे पता है मुश्किल काम है, लेकिन 2 लाख भी तो है, फिर ये 3 वैगने 6 येलो कैब ऐसे ही तो नहीं बन जाती ना भाई। मामू जान देखे ना पप्पी ने फिर से रोना
करना शुरू कर दिया है, इसे कैसे चुप कराऊं? बेटे इसे भूख लगी हुई है, आओ इसे चल के ज्यादा सारा खाना खिलाओ। हाँ भाई मियां, बच्ची को बेवकूफ बना रहे हो। बच्ची को क्या बेटा, मैं बड़ों को भी बना सकता हूँ। मिल मैनेजर बनना है? बना दो, कई मैनेजरों से ज्यादा खा सकता, काम कर सकता हूँ। तो फिर जैसे मैं समझाऊंगा वैसे करना पड़ेगा। ठीक है। ओ हेलो डैड। डैडी नहीं, तुम कहो, सेठ कहो, पकड़ो मुझे यहाँ से। मेरी पत्ती सी तोड़ो, मेरी पत्ती सी तोड़ो। डैडी नहीं, ये मेरी पत्ती, ये मेरे दुश्मनों से मिलकर मेरी पत्ती सी तोड़ना चाहता था। नहीं डैडी, ये तो आपकी मदद करना चाहते हैं। इन्होंने मुझसे खुद कहा है कि हड़ताल रुकवा देंगे, ये तो आपको हैरान करना चाहते हैं। हाँ, इसने मुझे हैरान ही कर दिया, बिल्कुल हैरान कर दिया। भाई मियां, आप समझाते क्यों नहीं है? बस करो सेठ। अच्छा, यानी खरबूजे को देखकर तरबूज ने भी रंग बदलना शुरू कर दिया। भाई मियां, आप मेरे साथ आइए प्लीज। हम मजदूरों के रास्ते से हट जाओ डैडी। जीती रहो बेटी, जीती रहो। थैंक यू डैडी। बिल्कुल साहब, डिजाइन दे दीजिए इन्हें। मैनेजर साहब, 2 लाख रुपया दे दीजिए इन्हें। मैंने नहीं देने 2 लाख, मुझे अपने पास अच्छे लग रहे हैं। मामू, 2 किलो रोहू मछली दीजिए ना। 2 किलो जी? ले जनाब, गिन ले, 2 किलो है। मतलब 2 लाख है जी। कोई शख्स अपनी जगह से नहीं हिलेगा, गिरफ्तार कर लो इस रिश्वतखोर को। बेटे ये तो पुलिस लगती है। नहीं मामू, आग बुझाने वाले। पुलिस है मामू, इस रिश्वतखोर को गिरफ्तार करने आई है, जो सिर्फ रिश्वतखोर ही नहीं चोर भी है। जिस मिल का खाता है उसके डिजाइन बेच रहा है। जरा गौर करें जनाब, मजदूरों में कैसे कैसे लोग लीडर बन के घुसे हुए हैं। लीजिए सर, आपके सरकारी 2 लाख रुपए। थैंक यू, कब्जे में ले लो। बेवकूफ इंसान, रिश्वत लेने का तरीका भी नहीं आता। समझाएं जी जरा इसे। वो पागल, वो नकद लेने की क्या जरूरत थी, बैंक में जमा करवाते इंटरनेशनल रूल्स के मुताबिक। तुम भी चलो। कहां? हमारे साथ। बुरा लगता है बंदा, मैं क्यों जाऊं जी? इसलिए कि आपने 4 जुर्म किए हैं मैनेजर साहब। कौन से 4? सबसे पहला जुर्म, आपने इसको रिश्वत की तरगीब दी। दूसरा जुर्म ये कि आपने इसको रिश्वत दी। तीसरा जुर्म ये कि आपने इसको हेरा फेरी सिखाई। और चौथा जुर्म ये कि आपने इसको रिश्वत लेने का सही तरीका बताया। वो इस तरह तो तुम 20-25 गिनवा दोगे। बेटा बेटा, तुम्हारे कहने पे मैंने ये सारा कुछ किया था। मामू, 4 दिन की तो बात है, आप अपने दूल्हा भाई के लिए ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकते? यानी दूल्हा भाई के लिए 4 दिन जेल में, वो इतना भी अच्छा नहीं, वो 1.5-2 घंटे अच्छा है बस। मामू, 4 दिन में आपकी जमानत हो जाएगी। देखिए ना, आज हफ्ता है, कल इतवार की छुट्टी, परसों सरकारी छुट्टी है, उससे अगले दिन मैंने 1 दिन के लिए समुद्र ही जाने वापस आऊंगा, तो हर जुर्म पे 2 दिन लगेंगे, आप 8 दिन में बाहर आ जाएंगे। 1 हफ्ता पूरा मैंने अपनी शरदाई के लिए कागजी बादाम भगोए हुए हैं। वो मैं आपको वहीं पे भेज दूंगा। चलो जेल में ना भेजना शरदाई, वो संतरी भेजेगा। बात सुनो, वो फ्रिज में रख देना, वो और फ्रिज के आस पास फिरते रहना, कोई पी ना जाए। आप बेफिक्र रहे, बेफिक्र रहे मामू। और सर जी, असली बंदा तो ले जाए। सेठ साहब जिंदाबाद, सेठ साहब जिंदाबाद, सेठ साहब जिंदाबाद। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। अरे हम तो काशी में ऐसे गलत भाई, हम तो काशी को ऐसे ही बुरा समझते थे, ये तो बड़ा अच्छा आदमी साबित हुआ। हाँ जी, कुदरतुल्ला से हमारी जान भी छुड़वा दी और सारे मुतालबात भी वापस करवा दिए यूं करके। सेठ साहब, हम खुद जहाँ चल के आए हैं सिर्फ इसलिए कि हम अपने तमाम पुराने मुतालबात से दस्तबरदार होते हैं। दोस्तों और भाइयों, बल्कि सिर्फ भाइयों, हम इतने जालिम नहीं है कि हम आपके मुतालबात ना मंजूर करें, हम जायज मुतालबात जरूर मंजूर करेंगे। शुक्रिया सेठ साहब, अब हम अपने नए मुतालबात पेश करते हैं। नंबर 1, हर मजदूर की तनख्वाह में 2000 रुपए का इजाफा, मजदूरों के बच्चों के लिए स्कूल और खेलने के लिए पार्क बनवा के दें। नंबर 3, हर मजदूर को 1-1 साइकिल और 7 हवा भरने के लिए पंप लेके दें। नंबर 4, साल में 4 माह की छुट्टियां और 2 बोनस। भाई ये तो पहले से भी ज्यादा मुतालबात है। हाँ सेठ साहब, पहले से भी ज्यादा है ये, लेकिन इसलिए कि हमारा पहला लीडर राशि था, राशि वो आपसे मिला हुआ था सेठ साहब, सिर्फ अपने और आपके फायदे की बात सोचता था। ये मुतालबात हमारे नए लीडर की तरफ से है। ये नया लीडर कौन है?
काशिफ बाबू जिंदाबाद, काशिफ बाबू जिंदाबाद, काशिफ बाबू जिंदाबाद। अच्छा तुम? आप कहो सेठ, आप। अच्छा यानी तुम से आप हो गए? तुम्हें मजदूरों के मुतालबात मानने ही पड़ेंगे। और अगर मैं मुतालबात ना मंजूर करूं तो फिर साथियों अटैक। प्यार मोहब्बत उल्फत चाहत के रंगों का नाम, होम स्वीट होम, होम स्वीट होम। प्यार में सच्ची खट्टी मीठी सी बातों का नाम, होम स्वीट होम, होम स्वीट होम, होम स्वीट उसकी नींद वाकई खराब हो रही होगी। खा खा के सोता है ना बेटा, उसे और खिलाओ, इतना खिलाओ, इतना खिलाओ कि उसे आठ आठ दिन तक नींद आती रहे। मैं मछली लेकर आया हूँ, उसे मछली खिलाओ, फिर दूध पिलाओ, फिर दही चटाओ, फिर खीरे खिलाओ, ताकि महीने में सिर्फ चार दफा उठे और सो जाए। ओ डैडी यू आर ग्रेट, आपको मेरे शौहर का कितना ख्याल है। हाँ बेटा, शौहर है तो यहाँ रह रहा है ना, ससुर का माल खा रहा है, ऊपर से आंखें दिखाता है बजाय शुक्रिया अदा करने के, खुद जलील करता है और लोगों के सामने जलील कराता है। आहिस्ता बोले, वो रात देर से सोए हैं। क्यों, क्या कर रहा था वो? पढ़ रहे थे। हाँ पढ़ रहा होगा कि ससुर को किस तरह कत्ल किया जाए और किस तरह उसके दौलत पर कब्जा किया जाए। एक मिनट बेटी, ये जरा पकड़ो, इसको लगा दो, वाजी वाह, ठहरो, अब ये लगाओ मेरा बच्चा, ये अब जरा देखो वो क्या खड़ा है। बेटा हम इतने खौफनाक तो नहीं है। जितना आपको अंदाजा है आप उससे ज्यादा खौफनाक हैं। और ये जो बच्चा होता है ये हवाई चीजों को ज्यादा पहचानता है। हमें तुम्हारे मामू हवाई चीजें कह रहे हैं। ये जो आपने संदूक उठाया हुआ है ये रख दें, इसकी वजह से आपको एक तरफ से फालज हुआ। ये बक्सा नहीं, ब्रीफ केस है। जो कुछ भी है जिसमें आप ये पेस्ट्रियां बेचते हैं, इस ब्रीफ केस को रख दें, वरना इसकी वजह से आप मेडिकल केस बन जाएंगे और सेहत से ज्यादा वजन उठाने वालों को आखिरकार कारपोरेशन वाले उठा के ले जाते हैं। चलो बेटे, चलो शाबाश, चल के पुडिंग खाएं, पप्पी को भूख लगी हुई है। आराम का माल है, खूब खाओ, खूब उड़ाओ। मुफ्त का माल है, चलो खाते हैं। ये ऐनक रख दो, ये गंदी है, गंदी है, गंदी है। ये अगर ऐनक लगानी हो तो उठाना ना, बल्कि मुंह ला के ऐनक में दे दो। चलो मेरा बेटा, चलो भूख लगी, चलो 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 खाएं, खाएं। डैडी प्लीज ब्रीफ केस तो रख दें, आपका कद एक साइड से छोटा हुआ है। बेटी इसमें कीमती कागजात है, चेक बुक है और कैश है, मैं इसे जमीन पर नहीं रख सकता। तो कहीं ऊपर रख दें। ओ डैडी सॉरी, यू आर लुकिंग सो फनी। डैडी आपको पता है हमारे कॉलेज में ना एक प्ले चल रहा है और उसमें जोकर के कैरेक्टर में एक एक्शन बहुत अच्छा लगेगा। गुड डैडी गुड। क्या मतलब है, हम जोकर हैं? खुरदार नूरे चशम, तू लो उम्रू, वॉशरूम का काम टीवी लॉन्च में नहीं होता। कम ऑन डैड, आप हर वक्त मुझे ये मैनरिज्म ना सिखाया करें। ये वॉशरूम, ये ड्राइंग रूम, ये डाइनिंग रूम, ये रूम, वो रूम, ये सब फजूल बातें हैं। जहां सहूलत से काम चले चला लेते चले। ये गिलास खरीदा गया पैसों से। डैडी आपकी अप्रोच बहुत ही मटेरियलिस्टिक हो गई। इस घर में कोई आर्ट पे तो काम कर ही नहीं सकता, फाइन आर्ट पे। मेरी किताब को पता चला? हाँ यही थी शायद। ये काशिफ भाई ये कौन सी किताब है? ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। ये कौन सी किताब है पढ़ाकू साहब? ये ड्रामे है, आर्ट, फाइन आर्ट। जब आर्टिस्ट कोई गलती करता है तो हम फाइन करते हैं, हम फाइन आर्ट के मौजिद हैं। प्लीज डैडी ऐसी बातें ना करें, ऐसी बातों से मुझे और काशिफ को बहुत गुस्सा आता है।
डैडी, ये ड्रामे हैं, शेक्सपियर के ड्रामे। अच्छा ये कौन सा ड्रामा है? डैमिंग ऑफ द श्रू, बीवी की सही तरबियत। अमरीन मैं अपने कमरे में जा रहा हूं, जिसने जिसने जहां जहां जाना है फौरन चला जाए प्लीज, मुझे किसी किस्म की डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। ओके डैडी आपको देर हो रही होगी। डैडी चले ना, मुझे देर हो रही है। बदतमीज काले नायर, एक फूटी कौड़ी नहीं कमा सकता ये, सिर्फ बदतमीजी करनी आती है और वो भी मुझसे। डैडी वो बदतमीज नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है थर्ड ईयर। और सुनो उन दोनों को समझा देना मेरे मौजूद मेहमान आ रहे हैं, उनके सामने कोई किसी किस्म की बदतमीजी नहीं होगी, समझे? हाँ भाई चलो। ओह अम्बरीन प्लीज खुदा के लिए मुझे इस तरह डिस्टर्ब न करो। तुम जरा सोचो अम्बरीन, तुम मेरी बीवी हो। हाँ काशी, और मुझे इस पे फखर है। होना भी चाहिए। अगर तुम शादी के बाद भी अपने बाप की बेटी रहती तो इसका मतलब यह है कि तुम एक अच्छी लाइफ पार्टनर नहीं। काशी वो मेरे डैड हैं। इसमें मेरा क्या कसूर है भाई? तुम्हारी मम्मी की गलत सिलेक्शन की सजा मुझे तो नहीं मिलनी चाहिए ना? तुम्हारे डैड नाजायज पैसे के जोर पर एक जीनियस को जलील करना चाहते हैं। मैं हूं ना, मैं उन्हें कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। उन्हें क्या पता मैं क्या हूं और क्या कर सकता हूं? मुझे तो पता है ना। आज उन्हें भी पता चल जाएगा अम्बरीन। वो कैसे? आज यहां इस घर में इंटरनेशनल सुपरहिट डायरेक्टर प्रोड्यूसर अख्तर नवीद आ रहा है। वाकई? मुझे कास्ट करने। हाय काशी, तुम ड्रामा में काम करोगे? एक्चुअली मैं करना तो नहीं चाहता था अम्बरीन, लेकिन उन्होंने मुझे इतना इंसिस्ट किया कि मैं इनकार नहीं कर सका। और वैसे भी मैंने ये सोचा कि इस मुल्क में ड्रामा जवाल पजीर है, इसलिए मुझ जैसे जीनियस इंटेलेक्चुअल को आगे बढ़ना चाहिए ताकि मुल्क के फनी हालात बेहतर हो सके। और जरा सोचो ना, इसमें हमारी मासूम ऑडियंस का क्या कसूर है? साहब जी, कोई अख्तर नवीद साहब आपसे मिलने के लिए आए हैं। ओह स्टूपिड मुलाजिम, तुम भी आखिर सेठ के ही मुलाजिम निकले ना। अख्तर नवीद एक इंटरनेशनल प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं जो मुझे कास्ट करने आए। जाओ यहां से, बिठाओ उन्हें। आओ अम्बरी। सर आपको मुबारक हो, बल्कि बहुत बहुत मुबारक हो, आपको अख्तर साहब ने बुक कर लिया है। थैंक यू सर। मिस्टर काशिफ, एक काम और, मुझे एक फेयर कलर का ऊंचा लंबा तड़ंगा सा आदमी चाहिए, वो फादर के कैरेक्टर। श्योर सर, क्यों नहीं सर, मैं आपको टेलीविजन और स्टेज के तमाम एक्टर्स से मिलवा देता हूं। हम यूं करेंगे कि एक गेट टुगेदर रखते हैं सर, तो उसमें आप सबसे मिल लीजिएगा, सिलेक्ट कर लीजिएगा सर। नहीं मिस्टर काशिफ, मैं मिल चुका हूं सबसे, मेरी कंसेप्शन के मुताबिक मुझे एक गूफ सा चेहरा चाहिए लेकिन जो अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझता हो। काशिफ यार, ये टेलीविजन को क्या हो गया, मैं टीवी लगाता हूँ उसमें से आवाज आती है, ये रेडियो पाकिस्तान है, आप उर्दू में खबरें सुन। माफ कीजिएगा, ये कौन है? मैं माफी चाहती हूँ, ये मेरे भाई साहब है, भाई मियाँ। अगर इनके शौहर यहाँ मौजूद होते ना तो ये दूसरी बार आपसे माफी मांगती। बल्कि तौबा करनी पड़ती जी। माफ कीजिएगा सर, आप ये किस सब्जेक्ट पर ड्रामा तैयार कर रहे हैं? हाँ जस्ट ए मिनट। शरीफों वाला काम है, ये किस किस्म के लोग इस घर में आने शुरू हो गए हैं? मिस्टर शकील, ऑर्डर सर। ओ इन्हें 1,00,000 रुपए का चेक बतौर एडवांस दे दे। ओके सर। आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी, मैं कहना ये चाह रहा था कि भाई ये कुछ लोग कहते हैं कि ये शरीफों वाला काम नहीं है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं, शरीफ लोग भी कर सकते हैं, ये देखे ना। हेलो अख्तर नवीद स्पीकिंग। ये वैसे उधर से आवाज आ रही है। ओ नो, ओ यार तुम मिस्टर स्पीलबर्ग से कह दो कि मैं उनकी फिल्म डायरेक्ट नहीं कर सकता। क्या मिस जूलिया रॉबर्ट्स को कास्ट कर लिया? ओ यार, तो इससे मेरी जात पे कौन सा एहसान किया उसने?
आस खाट में मिस्टर शकील सर, ये घर कैसा रहेगा? बहुत अच्छा सर, वेरी फाइन। वेरी फाइन नहीं बेवकूफ, मुझे बड़ा घर चाहिए, बड़ा। आप कली का ठेका लेती एक्सक्यूज नहीं, नहीं कोई बात नहीं, अब वो बाजी बढ़ता है तो इसमें आपका क्या कसूर है? हेलो ओह नो वेट यार, आई एम गोइंग टू चेंज होल द प्रोजेक्ट। बेवकूफ तुम समझते क्यों नहीं हो कि मैं इस वक्त एक इंतहाई आर्टिस्टिक फैमिली में बैठा हूं। वो यहां शहजादा सलीम है, अनारकली है, जोधा बाई है और अकबर दी ग्रेट। क्या हो रहा है बेटा? मां जाओ जल्दी जाओ और वो हेड ऑफिस से अनारकली और महंगाई का स्क्रिप्ट लेकर आओ। सर वो आउट आउट अनारकली और महंगाई मिस्टर काशिफ सर और यू आर जीनियस, एक ही मुलाकात में तुमने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। कोई मैं आप और आप सबको कास्ट करना चाहता हूं और दिखाना चाहता हूं कि अनारकली और शहजादा सलीम इस मॉडर्न दौर में कैसे लिव करते हैं। ओह सर बहुत ही नॉवल आइडिया है जी। और शहनशाह अकबर बिजली टेलीफोन पानी के महकमों में दस्तबस्ता खड़ा है और अपने बिजली के मीटर की दुरुस्तगी के अहकाम जारी कर रहा है। बाखुदा हम बिजली चोरी नहीं करते। वो तुम चोरी कर चुके हिसाब कर जोधा भाई शहजादा के लिए उसकी रोल्स रॉयस गाड़ी के पेट्रोल की दुहाई दे रही है। और सर सर शहजादा सलीम क्या कर रहा है सर? ओहो वो जीनियस है, वो इन सब बातों को खातर में नहीं लाता। वो मोटरसाइकिल पे बैठ के सड़कों पे घूम घूम करता है। और नहीं वो अपने दूसरे इश्क के इंतजार में कबूतरों का इंतजार कर रहा है। वाओ सर एब्स्ट्रैक्ट है लेकिन कमाल है, फैंटेसी सर। हम आपकी हर तरह से खिदमत करने के लिए तैयार हैं। भाई देख ले मुश्तबा साहब, अगर तो आप इतनी बड़ी सप्लाई दे सकते हैं तो ठीक, वरना ना ना वरना वाली तो बात ही कोई नहीं इसमें, पर हम सप्लाई देंगे आपको। मगर कैसे मेरी समझ में नहीं आ रहा है, इतनी बड़ी सप्लाई के लिए तो कोई भी रजामंद नहीं हो रहा है, तो फिर आप कैसे? आजम साहब जहां स्टेट के लोग थक के गिरते हैं ना, ये खादिम वहां से स्टार्ट लेता है। कोई गारंटी का मतलब है कि इसके लिए आपको कोई गारंटी देना होगी? आपने हमारा दफ्तर तो देख ही लिया है, फैक्ट्री का मुआयना भी कर लिया है, रात को आप खाने पर आ रहे हैं, बंगले को देख के उसकी वैल्यू लगा लीजिएगा। अगर मैं सप्लाई ना दे सका तो ये सारी चीजें हर जाने में दे दूंगा। आप ठीक कह रहे हैं। आज कंगन को आरसी क्या, रात को आप भाभी को साथ खाने पर लेकर आइए, खाने का लुत्फ भी लीजिएगा और वहीं फैसला भी हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, डन डन। ओ नहीं नहीं यार, ओ यार इस वक्त मैं रिहर्सल ले रहा हूं, तुम समझ क्यों नहीं आ रही यार? हाँ ठीक है, वो ओवरसीज भेज दो। हाँ ठीक है ओके। हाँ जी आप रेडी हैं? जी सर जी। यार सर नहीं, आप इस वक्त शहंशाह अकबर के रूप में हो। ये जो अकबर भाई मुगलों वाले थे, इनको अंग्रेजी नहीं आती थी? और नहीं भाई, आप इस वक्त दुनिया के ताकतवर तरीन इंसान हो, आप जिसे चाहो जिंदगी दे दो, जिसे चाहो कत्ल कर दो। कत्ल भी कर सकता हूं जी। हाँ भाई साहब कहाँ है? क्या आपको मुकाल में याद है? आप जरा मुझे एक दफा बता दें कि किस तरह बोलना है। ओ यार नहीं, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं, ये देखना चाहता हूं कि ये कैरेक्टर आपने कंसीव कैसे किया है। आप बोले बोले बोले। शहजादे, अगर तुमने अनारकली से अख मटक्का लगाने की कोशिश की तो मुझे कसम है इस टेटू के पहाड़
पहाड़ की, मैं तुम्हारे दोत्रियों पोत्रियों को गोलियां शोलियां मरवा दूंगा सोनिया। ये पोतरे पोतरे और गोलियां शोलियां कहां से आ गई? ओ यार काशिफ, ये कौन सा स्कूल ऑफ थॉट है? सर ये लाउडिज्म है। तुम कैसे बोलो? हाँ नहीं सर, आप प्लीज जरा ट्राई तो करके देखिए। अच्छा तो अनार करी जी, जी। अब आप अपनी लाइनें बोलते हुए मेरी तरफ मूव करेंगे और आप इनको फॉलो करेंगे। राइट सर। जी शहजादा हुजूर। अनारकली, क्या तुम्हें भी हमारी मोहब्बत ने वही गुल दिए हैं जो हमारी मोहब्बत ने तुम्हारी सेज में सजाए हैं? ये तो नसीब की बात है हुजूर। शहजादा आलम का अता किया हुआ हर फूल कनीज की झोली में गिरने से पहले ही हार बन जाता है। यार ये अनारकली बोल के खुद ही क्यों डर जाती है? लगता है ये बीमार शुमार है। यार तुम थोड़ी देर के लिए खामोश नहीं रह सकते? सर मैं शुरू हूँ। हाँ प्लीज कैरी ऑन कैरी ऑन। क्यों अनारकली क्यों? जिल्ले इलाही की नजर कुल को खार में बदलने की ताकत रखती है हुजूर। उफ, मेरे खुदा, ये सल्तनत भी क्या चीज है। एक शफीक बाप जालिम और संदिल बनकर अपने ही बेटे के सीने में हाथ डालकर उसका दिल मसल रहा है। उफ खुदा, हम तो एहतजाज भी नहीं कर सकते। हम एहतजाज करें तो बागी और ये कत्ल करें तो मसीहा। हम क्या करें अनारकली, हम क्या करें? गुस्ताख, बाप से मशवरा लेने की बजाय मोहल्ले की लड़की से मशवरा ले रहे हो। इन्हें बेटा नहीं सिर्फ वली अहद चाहिए हुजूर। हमें सल्तनत नहीं तुम्हारी मोहब्बत चाहिए अनारकली। हम अम्मी हुजूर के सामने एक जालिम बाप के खिलाफ एहतजाज करना चाहते हैं। अम्मी हुजूर कहां हैं आप? अम्मी हुजूर लिल्ला हमारी मदद कीजिए। वो बापटा के ऑफिस गई है बिल ठीक करवाने के लिए। वंडरफुल, एक्सीलेंट, ब्यूटीफुल। अरे वाह काशिफ मियां, तुम तो जीनियस हो। अरे आप तो कमाल के एक्टर हो खुदा की कसम। सर मैंने कैसी एक्टिंग की? सुभान अल्लाह, कमाल कर दिया। सर प्लीज आप काइंडली इसे मेरे बारे में कुछ मजीद बताइए, ये अपने बाप को बता सके जो मुझे जाहिल और निकम्मा समझता है। ओ काशिफ प्लीज, तुम जीनियस हो। थैंक यू सो मच। ओ जनाब, ये तो बहुत अच्छे हीरो हैं, इनका तलफ्फुज बहुत अच्छा है। ये दरअसल ड्रामों वाली अंजुमन के साथ काम करते रहे। सर इस ड्रामे का एंड क्या होगा? इस ड्रामे का एंड सर हट के है, शहंशाह पर दफ्तरों के चक्कर लगा लगा के आज के दौर में पहुंच जाता है और उसके हाथों एक मीटर रीडर का कत्ल हो जाता है। यार ये वैसे मीटर रीडर का किरदार मुज्तबा भाई से करवा लो, क्या जरूरत है वहां से बंदा लाने की? अब रात को एक हम ड्रेस रिहर्सल करेंगे। राइट, ग्रैंड रिहर्सल है, खूब तैयारी करो, खूब याद करो। हाँ जी आप भी सुन ले, अपने तलफ्फुज़ ठीक कीजिएगा। गुस्ताख, सिल्ले इलाही का तलफ्फुज़ ठीक करवा रहे हो? हम आज रात कोई 12:15 बजे तुम्हें मौत की सजा सुनाएंगे। सिल्ले इलाही मैं थक गया हूं, थोड़ी देर बैठ जाऊं। बैठ जाओ, उसके बाद ये देगे उठा के बाहर। ये घर में इतना सन्नाटा क्यों है भाई? मुश्तबा साहब, घर वाले कहीं गए हुए हैं क्या? नहीं वो रीडिंग। अच्छा अभी तक पढ़ते हैं? नहीं नहीं, वो मेरा मतलब ये मुताले का शौक है बच्चों को। अच्छा, हर बच्चा कहीं ना कहीं अपने अपने गोशे में अपनी अपनी पसंद की किताब लेके बैठा होगा। मुताला माशाल्लाह। आप ऐसा करेंगे तशरीफ रखें, मैं अभी हाजिर हुआ जी। आइए बेटे। कल सुने जी, ये कार तो मुझे कुछ पुरसराज लगन दिया है। ऐसी तो कोई बात नहीं है बेगम, वैसे ये मुश्तबा भी मुझे कोई कमजोर सा ड्रैगोला ही लगता है। पाची उठे, मेरा तो दिल घबरा रहा है। नहीं 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 बेगम, डरने वाली कौन सी बात है, बगैर बताए भी तो जाना गैर मुनासिब होगा ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई साहब। बेगम ये कौन साथ थे? चल्लाद,
अगर थोड़ी देर और ठहरे तो हमारी गर्दन उड़ा देती जाएगी। बस उठो उठो चले। ठहरो बेगम ठहरो, मैं जरा फिर मुर्तबा साहब को बता दूं कि हम लोग जा रहे हैं। सलाम बेगम जी। वालेकुम सलाम जी। बेगम ये कौन थे? चलो उठो चलो बस। मत मांगो रहम की भीख, आज के वारिस की मुखबरी की सजा सिर्फ मौत है, मौत जल्लाद। रहम कीजिए आलीजा, रहम कीजिए। नहीं गाड़ी में ब्रीफकेस भूल गया था, इसलिए देर हो गई। कत्ल हो गया मुर्तबा साहब, कत्ल हो गया। अरे भाई ये कत्ल वगैरह तो हमारे मुआशरे का एक हिस्सा बन के रह गए। ये ड्रामा और फिल्मों वालों ने तो कत्ल खून को तो समझ ले खेल ही बना लिया है। नहीं, सच्ची मुच्ची का कत्ल हुआ है भाई साहब। मैं थाने लगा दूं, मैं अभी हाजिर हूं। अच्छा बेगम आजम, ये घर में कत्ल हो गया है और ये बंदा कितना इजी घूम रहा है। ये हमारा व्यायाम तो नहीं? हाँ तुम ठीक कहती हो, मैंने बेगम ना रात को दो फिल्में मैंने डरावनी देखी थी, हॉरर मूवी, शायद उसी का असर है अब तक। वही व्यायाम है। मैं बेकसूर हूँ मलका आलिया, मुझे माफ कर दीजिए, खुदा के लिए मुझे माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए प्लीज। तुम गद्दार हो, तुम्हारी सजा सिर्फ मौत है, तुम्हारा जुर्म इतना घिनौना है तुम्हारी जान नहीं बख्शी जा सकती। इतनी बड़ी पार्टी लेकर आया था, करोड़ों का मुनाफा होता, भाग गई वो। ये कौन ड्रामेबाजी कर रहा था? ये काशिफ, इस शख्स ने मुझे हमेशा नुकसान पहुंचाया और कब तक नुकसान पहुंचाएगा मुझे तो। डैडी प्लीज, हमने इतना अच्छा ड्रामा तैयार किया है। ओवरसीज बिक गया है डैड, लोकल मार्केट में लाखों का मुनाफा हो रहा है और आप कह रहे हैं कि मैं आपको नुकसान पहुंचा रहा हूं। कभी तो इसके बारे में दिल साफ कर लिया करो मियां, अब हम कोई मामूली लोग नहीं रहे। लोग हमसे सिगरेटों की डबियां फाड़ फाड़ के ऑटोग्राफ ले रहे हैं। अख्तर नवीद जैसे इंटरनेशनल डायरेक्टर ने हमें कास्ट किया है। ओहो डैडी, अखबार रात में सेशन छप रहे और आप है कि आप हमें डांटे ही जा रहे हैं। डैड इस काम का बहुत फायदा है, लोग फुटपाथ से गाड़ियों पे आ गए हैं। क्या फायदा? हम लोगों ने सिर्फ 4 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है डैड और अब तक 15 लाख की ऑफर आ चुकी है हमें। 15 लाख रुपए, इतना मुनाफा? देखा कैसा मुनाफे का आदमी है, जरा सा मुनाफा देखा और साथ ही गुस्सा खत्म। आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है डैड, अगर आप थोड़ा सा कोऑपरेट कर दें तो। वो एक्चुअली भाई मियां से अकबर आजम का कैरेक्टर कुछ ठीक से हो नहीं पा रहा। नहीं नहीं भाई मियां, आपसे मान सिंह का